नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यूपी का दौरा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे सीएम त्रिवेंद्र रावत, उत्तराखंड स्मारक पर सीएम ने आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी है। दोनों ही महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने स्मारक सभा को संबोधित किया। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक रास्ते को अपनाया। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान नारे से देश की सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दी है। महात्मा गांधी ने देश को महत्वपूर्ण संदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान नारे से देश की सैन्य शक्ति को प्राथमिकता मिली, प्राथमिकता दी गई। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दोनों को ही याद किया और याद करते हुए उनको विचारों का जिक्र किया। यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे सीएम त्रिवेंद्र रावत और उत्तराखंड स्मारक पर सीएम ने इसी दौरान में आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी, सभा को संबोधित भी किया। सीएम ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि, दोनों ही महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए और दोनों को ही श्रद्धांजलि दी। स्मारक सभा को संबोधित भी किया। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक रास्ते को अपनाया। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें मुख्यतः सीएम त्रिवेंद्र रावत की ओर से कही गई मंच से। देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने अहिंसक रास्ते को अपनाया, सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया और देश की आज़ादी में आम आदमी को सम्मिलित कर देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस रूप में हम उनको याद करते हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को जय जवान और जय किसान का उद्घोष करके और जहां उन्होंने देश की सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दी जय किसान कह करके और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया, उनको हम याद करते हैं। वहीं उत्तराखंड के इतिहास में और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज का दिन एक काले धब्बे के रूप में भी हम लोग देखते हैं। सचिन जौहरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। सचिन, त्रिवेंद्र रावत का अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इससे पहले क्या कुछ कार्यक्रम रहे? देखिए, हर वर्ष की भांति आज के दिन मुख्यमंत्री आते हैं उत्तराखंड के और जो आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और मंच से बोलते हुए कहा है कि जहां आज दो महापुरुषों का जन्म दिवस है वहीं पर उत्तराखंड के इतिहास के लिए काला धब्बे भी है। और काफी लोग वहां से उन्होंने संबोधित किया है मंच से और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो देहरादून के लिए निकल चुके हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका। वन मंत्री हरक सिंह रावत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। दून अस्पताल के वीवीआईपी वार्ड में उनको भर्ती कराया गया। 5 सितंबर से कोरोना पॉजिटिव है वन मंत्री हरक सिंह रावत। सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, कोविड अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। अभी तक होम आइसोलेशन में थे लेकिन अब जब उनकी तबीयत खराब हुई है तो उनको दून अस्पताल के वीवीआईपी वार्ड में भर्ती कराया गया है, एडमिट कराया गया है। 5 सितंबर से ही वो लगातार कोरोना पॉजिटिव थे। सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, कोविड अस्पताल में अब उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक होम आइसोलेशन में ही थे। सीएस ओम प्रकाश ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को जारी किया है। सीएस ओम प्रकाश ने केंद्र के आधार पर राज्य की गाइडलाइंस जारी की हैं। 15 अक्टूबर से उत्तराखंड में मिलेंगे कई छूट। अनलॉक 5 में स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खोलने की छूट होगी। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर शिक्षा विभाग फैसला लेगा। उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन स्कूलों पर फैसला करेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, पार्क खोलने की नियमों की शर्तों के साथ छूट। समारोह, धार्मिक आयोजनों, कार्यक्रमों में 200 लोग हो सकते हैं शामिल। शादी विवाह, खेल मनोरंजन कार्यक्रमों में भी 200 लोग ही शामिल होंगे।
पर्यटकों को कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। अंतर जनपदीय अंतर्राज्य यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, किसी पर्यटक में कोरोना के लक्षण आने पर ही टेस्टिंग करानी होगी। तो देखिए अब अनलॉक 5 में क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं और अनलॉक 5 में अब बहुत सी रियायतें होंगी, क्योंकि अभी देखिए कोरोना के दौरान में ही हमने देखा कि जिंदगी की जो रेलगाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अब आमतौर पर सब कुछ खुल चुका है, सिनेमा घर बचते हैं, स्कूल कॉलेजेस बचते हैं, अब अनलॉक 5 में उसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी होंगी। फहीम तन्हा हमारे साथ है, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, जो रोड मैप तैयार किया गया है अनलॉक 5 के लिए, मुख्यतः उसमें अब स्कूल कॉलेजेस सिनेमा घर सभी को खोलने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सभी को खोलने की तैयारी है, लेकिन इसमें पूजा सबसे ज्यादा जो बात है मंथन को लेकर के वो स्कूल को लेकर के है, क्योंकि स्कूल खोलने को लेकर एक तरफ जहां प्रबंधन ने भी पिछले दिनों बात की थी, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके के हालात है कोरोना के और छोटे बच्चों की संवेदनशीलता है, तो लिहाजा जो छोटे स्कूल छोटे क्लासेस के स्कूल हैं आठवीं कक्षा से नीचे के, तो उनके प्रबंधन भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं स्कूल खोलने को लेकर के, क्योंकि उनके सामने समस्या सबसे ज्यादा यही है कि बच्चों के साथ कैसे उन नियमों का पालन हो पाएगा कोरोना से बचाव के। और चूंकि अभिभावक भी माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसी स्थिति स्कूल जाए, तो इसको लेकर के एक थोड़ा सा भी फैसला पूर्ण रूप से नहीं है। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन में कह दिया कि 15 अक्टूबर से खोलने की छूट होगी, जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन इसको लेकर तय अंतिम स्तर पर तय जो होगा वो अभी प्रबंधन रूप से सभी स्कूलों के और अभिभावक संघों से और फिर जिला प्रशासन आपस में तय करेंगे, और उसके बाद ही शासन को रिपोर्ट भेजकर फैसला लिया जाएगा कि स्कूल कौन से क्लास खुलने हैं, कौन से नहीं खुलने हैं। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनके लिए गाइडलाइन हो गई है जारी, और वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे। उसे संबंधित जो विभाग है वो संबंधित विभागीय गाइडलाइंस भी जारी होंगी इस दौरान, और वो उन्हें एसओपी का पालन करते हुए किए जाएंगे। इसमें एक जो अगर महत्वपूर्ण बात अगर हम देखते हैं, तो वो जैसे शादी समारोह है या दूसरे आयोजन होंगे उसमें लोगों के शामिल होने की तादाद बढ़ गई है, और दूसरा जो आर्थिक गतिविधियां उनकी बात कही गई है, प्रदर्शनियां या और दूसरे जो जिम की बात है या सिनेमा हॉल की बात है, तो उनके रोजगार थोड़ा खुलेंगे, लेकिन एसओपी को इनका पालन करना होगा, और एसओपी का पालन करने के लिए समय है 15 अक्टूबर से पहले, वो तमाम व्यवस्थाएं इनको करनी होंगी। तो बहरहाल अभी अनलॉक 5 में थोड़ी राहत मिली है लोगों को, जो कुछ एक्टिविटीज बंद थी आर्थिक रूप से वो खुलेंगी। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। उत्तराखंड के सीएस ओम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव हैं, और सीएस ओम प्रकाश निजी के जो उनके सचिव हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हुए होम क्वारंटीन, मुख्य सचिव 4 अक्टूबर तक होम आइसोलेटेड रहेंगे। सीएस कार्यालय सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद सील किया गया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो होम क्वारंटीन हुए हैं, मुख्य सचिव 4 अक्टूबर तक होम आइसोलेट रहेंगे। सीएस कार्यालय सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद उसे सील कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएस ओम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब होम क्वारंटीन है। गांधी जयंती पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। दोनों ही नेताओं के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कांग्रेसियों ने नमन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने नमन किया। पौड़ी में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही जयंती को मनाया गया। जिला मुख्यालय में गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने अपने कार्यालय में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर झंडा फहराया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया। इसके अलावा गांधी जी की विचारधारा पर चलने का आह्वान भी किया। कपड़े भी नहीं पहने,
उसने कहा कि देखते थे वो, या जो कहते थे उसी को। खबर पौड़ी से है, जहां हाथरस कांड से आक्रोशित वाल्मीकि समाज हाथरस के डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है। आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की जा रही है। सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकाला। देवप्रयाग की सड़कों पर लोगों ने कैंडल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। हमारी बहन मनीषा के साथ आप सबको पता ही होगा, हमारी बहन के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है जिसको हम बखान भी नहीं कर सकते, बयान भी नहीं कर सकते। उनकी बॉडी को उनके साथ पहले दरिंदगी हुई, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, उनके साथ जो भी हुआ ये आप सबको पता ही है। फिर उसके उपरांत भी उनकी बॉडी उनके घर वालों को न सौंप के रात को 2 बजे बिना किसी इत्तला के जला दी गई। इसका मतलब क्या हुआ? फिर यूपी पुलिस कहती है कि हमारी कोई गलती नहीं है। मुकेश बचेती हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुकेश, पौड़ी में भी मृतका के लिए, पीड़िता के लिए संवेदनाएं लोग प्रकट कर रहे हैं। कोई कैंडल मार्च कर रहा है तो कोई नारेबाजी कर रहा है। फिलहाल आज क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, हाथरस की जो घटना है उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन और आक्रोश लोगों का जारी है, जिसके उपलक्ष्य में कल देर रात को वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया था और आज पाबो ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है और मांग की है केंद्र सरकार से कि एक कड़ा कानून यहां पर लाया जाए जिसमें जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, सुरक्षित उनको रखा जा सके। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। हाथरस कांड को लेकर दलित समाज ने कैंडल मार्च निकाला। हाथरस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कैंडल मार्च में लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथरस प्रशासन पर आरोप लगाए। पुलिस दोषियों को बचाने में जुटी हुई है, प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं। जो लुंड्रा के अंदर कैंडल मार्च निकाला है, मनीषा जो बहन है, हमारे इस पूरे देश की जो बहन है, जो कि इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने 4 लड़कों ने जो बलात्कार किया, उसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर आपका गर्दन की हड्डी तोड़ दी, फिर आपका जीभ काट दी, ये जो सोची समझी जो राजनीति है इस मनुवादी सरकार की, ये इन्होंने सबूत भी मिटा दिए हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई ना कर सकें। क्या चाहते हैं? हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग है कि इन जितने भी इसमें दोषियों के नाम आते हैं उन सभी लोगों को फांसी हो। और मैं इस SC ST OBC समाज की, बहुजन समाज की ओर से मैं एक ही अपील करता हूं, जितने भी हमारे संगठन हैं, अगर मनीषा बहन को न्याय नहीं मिला हम इस देश का चक्का जाम करेंगे। और इस भारत देश को अगर बंद भी करना पड़ा तो हम इसको बंद, भारत देश का जो बंद का ऐलान है वो भी हम करेंगे। साथियों, सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। सुमित, हरिद्वार में भी पीड़िता के लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। कल रात का भी ये पूरा कार्यक्रम रहा, आज फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहाँ? बिल्कुल, लगातार इसका विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं, रात भर, रात में भी इसका, इसको लेकर प्रदर्शन किए गए हरिद्वार में, तमाम जगह पे इसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोई मतलब इसके लिए लगातार लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका। लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार तेजी आ रही है। जिले में संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों में ITBP के जवान भी शामिल हैं। अब तक 320 से ज्यादा जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जोशीमठ, छावनी, गोचर ITBP और नगर क्षेत्र में ज्यादा केस हैं। 789 मरीज स्वस्थ हैं। 249 संक्रमितों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल जांच में इजाफा किया है। RT-PCR जो टेस्टिंग होती है, जो हम श्रीनगर लैब और पैथकैंड लैब देहरादून को भेजते हैं, 26,017 सैंपल्स हम भेज चुके हैं। और रैपिड एंटीजन टेस्ट 3,285 हम अब तक कर चुके हैं और ट्रूनाट टेस्ट 3,556 हम कर चुके हैं। ट्रूनाट टेस्ट हमारे वर्तमान में गौचर में, कर्णप्रयाग में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में हो रहे हैं।
बहुत जल्द ही हम इसकी व्यवस्था गैरसैंण में। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 1000 के पार हो चुकी है। यहां तक कि आईटीबीपी के जवानों तक भी संक्रमण पहुंच रहा है। अब तक 320 से ज्यादा जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल जांच में इजाफा भी किया है। संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है इसी के साथ में, और आईटीबीपी के भी कई जवान इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। जिले में ही संक्रमितों की संख्या इस वक्त 1000 के पार हो चुकी है। यहां तक कि संक्रमितों में आईटीबीपी के जो जवान हैं वो भी इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं, और 320 ऐसे जवान हैं, उससे भी ज्यादा बल्कि ये तादाद है जो कि अब तक आईटीबीपी जवान संक्रमित हो चुके हैं। जोशीमठ छावनी, गोचर आईटीबीपी, इन क्षेत्रों में अभी तक ये जवान संक्रमित हुए हैं। डोईवाला विधानसभा के थाना रेंज में वन क्षेत्र अधिकारी नत्थी लाल डोभाल के विशेष प्रयासों से पूरी थाने रेंज को सोलर फेंसिंग लगाकर कवर किया गया, जिससे कि अब इस रेंज के अंतर्गत आने वाली तमाम ग्राम सभाओं के लोगों को हाथियों की समस्या से निजात मिलेगी। हाथी अब जंगल से आबादी की ओर नहीं आ पाएंगे और किसानों की खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बारह किलोमीटर सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है। लोग काफ़ी परेशान थे हाथियों से, अब काफ़ी राहत है। जब से सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है तो लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई है। अब हाथियों के नुकसान की हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती है।